सो हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में। तो मेरा नाम है रवि बख्शी और आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं के तीन स्टेप्स देखिए। तीनों स्टेप्स काफी पॉपुलर स्टेप्स हैं और बहुत सारे सॉन्ग को कोरियोग्राफ करने के लिए सारे स्टेप्स का यूज किया जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और ये सारे स्टेप्स को सीख जाते हैं तो आप किसी भी सॉन्ग पे बहुत ही अच्छे से डांस कर पाएंगे सारे स्टेप्स को सीखने के बाद। और दोस्तों, ये सारे स्टेप्स को सीखना काफी आसान है, आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है और मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप बहुत इजीली ये सारे स्टेप्स को सीख जाएंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हम अपने सबसे पहले स्टेप को सीखने के लिए इस तरह से खड़े हो जाएंगे। हम अपने दोनों लेग को इस तरह से ओपन करके रखेंगे और सबसे पहले हम इस तरह से अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे और नीचे ऐसे टैप करेंगे। और जब पैर को नीचे रखेंगे तो पूरा पैर नहीं रखेंगे, आपको सिर्फ ऐसे टो पे रखना है और ऐसा आपको दो बार करना है, 1 2। और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस पैर को ऊपर उठाएंगे तो आपका जो सेकेंड लेग है, अपोजिट लेग है, वो थोड़ा सा ऐसे बैंड करेंगे, ठीक है। जैसे लेग को उठाएंगे थोड़ा सा बैंड करेंगे, रखेंगे, फिर से हमारा लेग स्ट्रेट हुआ। तो सबसे पहले आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो फिर से करते हैं काउंट पे, चलिए 5 6 7 को रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 1 2। एंड हम क्या करेंगे, दो स्टेप करने के बाद अपने बॉडी पोजिशन को चेंज करेंगे इस तरह से एंड फिर लेफ्ट लेग से हम सेम करेंगे, ठीक है। आप 3 4, दो स्टेप राइट लेग से एंड दो स्टेप हम अपने लेफ्ट लेग से करेंगे, ओके गाइज। एंड इसके साथ जो हमारा हैंड मूवमेंट है वो आपको इस तरह से रखना है। जैसे ही अपने राइट लेग को उठाएंगे फर्स्ट स्टेप को करने के लिए, तो आपको अपने दोनों हैंड को यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर देना है जब लेग हमारा ऊपर होगा। एंड जैसे ही यहाँ से रखेंगे नीचे, तो हम अपने हैंड को भी इस तरह से ओपन करेंगे, हैंड को भी ओपन करेंगे उसी एनर्जी के साथ जिस एनर्जी से अपने लेग को नीचे रखेंगे, ओके 1 2 3 4। एंड 4 स्टेप एंड 2 स्टेप होने के बाद पोजिशन चेंज करेंगे एंड फिर से लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, हैंड को क्रॉस करेंगे, रखेंगे पैर को नीचे, हैंड भी ओपन करेंगे, ओके 1 2 3 4। एंड इस तरह से आपको पहले प्रैक्टिस करना, पहले आपको स्टेप्स को सीखना है एंड इसे धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना है। इसी तरह से काउंट पे प्रैक्टिस करेंगे एंड अगेन आप इसे म्यूजिक पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार फिर से करते हैं, चलिए 5 6 7 को रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड गाइज, इस स्टेप को इतना करने के बाद अब इसमें जो हम काउंट करेंगे, आपको सबसे पहले काउंट पे ही प्रैक्टिस करना है। तो जब हम काउंट करेंगे तो इस तरह से नहीं करेंगे 1 2 3 4, ये नहीं, आपको इस तरह से करना है 1 2, ठीक है। जब लेग्स को ऊपर उठाएंगे, हैंड को क्रॉस करेंगे तो बिल्कुल एनर्जी नहीं लगाना, आपको नॉर्मल करना है। इस तरह से आपको पूरा पैर को नीचे रखते समय और हैंड को ओपन करते समय स्टेप्स को काउंट करना और एनर्जी लगाना है, ठीक है, ओके। फिर से 1 2 एंड चेंज, 3 4 चेंज, 5 6 चेंज, 7 8, ओके। थोड़ा सा फास्ट करेंगे इस स्टेप को, चलिए फिर से 5 6 7 को रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। एंड इसे जब म्यूजिक पे करेंगे और अगर म्यूजिक हमारा फास्ट हो तो इसका जो स्पीड है आपको इस तरह से रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके गाइज। तो आई होप कि आप इस स्टेप को सीखे होंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपना सेकेंड स्टेप। गाइज, जब आता है हमारा सेकेंड स्टेप और इस स्टेप में भी हम अपने दोनों लेग्स को ओपन करके इस तरह से खड़े हो जाएंगे और सबसे पहले स्टेप में हम अपने राइट लेग को यहाँ से उठाएंगे और लेफ्ट लेग के आगे से इस तरह से क्रॉस करेंगे। एंड अगेन हम क्या करेंगे, जो पैर हमारा पीछे है इसे उठाएंगे और इधर लेफ्ट साइड में आपको ओपन करना, एंड अगेन लेफ्ट लेग को राइट लेग के आगे से क्रॉस करेंगे इस तरह से एंड फिर राइट लेग को राइट साइड ओपन करेंगे। एक बार फिर से काउंट पे करेंगे, 1
2, 3, 4 ओके। एंड यहाँ से आपको वापस फिर पीछे जाना है उसी पोजीशन पे, तो क्या करेंगे 5, 6, 7, 8 क्रॉस रोल में करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8 तो ये गाइज हो गया हमारा लेग मूवमेंट। एंड इसके साथ जो हमारा हैंड मूवमेंट है वो आपको इस तरह से रखना है 1, 2, 3, 4 एंड गाइज जब हम पीछे जाएंगे तो इसमें अपना हैंड मूवमेंट हम चेंज करेंगे। यहाँ से आपको क्या करना कि अपने हैंड को इस तरह से ऊपर लेके जाना, यहाँ आगे से इस तरह से मोड़ेंगे ऊपर की तरफ जब हम अपने लेग को पीछे क्रॉस करेंगे 1 ओके एंड जैसे ही ओपन करेंगे लेग्स को हैंड्स डाउन ओके एंड अगेन फिर क्रॉस करेंगे हैंड्स हम अपना ऊपर इस तरह से लेके जाएंगे फिर से ओपन करेंगे हैंड्स डाउन। तो इसमें क्या करना है कि यहाँ से आपको हैंड को उठा के ऊपर करना और ऐसे सामने रखना है, वैसे हमारा हैंड बंद होगा बट आपको इसमें रिस्ट को ऐसे मूव करना है ऊपर की तरफ एंड नीचे रखेंगे तो फिर से इस तरह से ला के डाउन ओके इस तरह से। एक बार फिर से इसे काउंट पे पूरे स्टेप्स के साथ करते हैं ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 थोड़ा पास करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगेन सेकेंड थोड़ा फास्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8 एंड इसे जब म्यूजिक पे करेंगे तो आपको थोड़ा एनर्जी के साथ करना है इस स्टेप को। और अगर सॉन्ग स्लो है, अगर आप किसी भी सॉन्ग पे करें तो सॉन्ग के अकॉर्डिंग आपको करना, अगर सॉन्ग फास्ट है तो थोड़ा एनर्जेटिक करेंगे, सॉन्ग स्लो है तो आपको नॉर्मली एंजॉय करके इस तरह से करना है ओके नॉर्मल करेंगे, अगर सॉन्ग फास्ट है थोड़ा सा तो आपको थोड़ा एनर्जेटिक करना इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो गाइज कि आप ये सेकेंड स्टेप को भी सीख गए होंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपना सबसे लास्ट स्टेप थर्ड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप में भी अपने दोनों लेग्स इस तरह से ओपन करके खड़े रहेंगे और सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे इस तरह 1 और जब अपने लेग को ऊपर उठाएंगे तो हम अपने बॉडी को अपने पूरे बॉडी का वेट जो है अपने लेफ्ट लेग पे देंगे और थोड़ा सा अपने बॉडी को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे ओके 1 एंड इसे रखेंगे, जैसे ही इसे रखेंगे हम अपने बॉडी को फिर राइट साइड लेकर आएंगे और फिर अपने लेफ्ट लेग को उठाएंगे 2 ओके इस तरह से। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पहले वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से प्रैक्टिस करना है तभी आप इसे बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाएंगे ठीक है। एक बार फिर से करते हैं 1, 2, 3, 4 ओके इस तरह से पहले प्रैक्टिस करेंगे 1, 2, 3, 4 ओके गाइज एंड इसे आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके इसे आपको फास्ट करना है इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड इसमें एक मूवमेंट और है आप इसे रिपीट कर सकते हैं दो बार, दो स्टेप करने के बाद एक ही तरफ दो बार रिपीट करेंगे इस तरह 1, 2, 3, 4 ओके 3, 4 ओके गाइज 1, 2, 3 एंड 4 एक बार फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड इस स्टेप में जो हमारा हैंड मूवमेंट है वो आपको बिल्कुल कमर और लेग के अकॉर्डिंग लेग के साथ चलाना है ठीक है इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैंड को आपको थोड़ा सा वेव करना है, ऐसे नॉर्मली बिना वेव किए भी आप कर सकते हैं, ऐसा आपको करना है कि ऐसे आप खींच रहे हैं कुछ ठीक है खींच रहे हैं और आपका लेग ऊपर उठ रहा है इस तरह 1, 2, 3, 4, 3 एंड 4 ओके 1, 2, 3 एंड 4 ओके तो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर से करते हैं चलिए फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 थोड़ा पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो आई होप गाइस कि आप ये सारे स्टेप्स को सीख गए होंगे। तो स्टेप्स की प्रैक्टिस कीजिए, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लियर उतना ही अच्छे से आप ये सारे स्टेप्स को कर पाएंगे। तो इसी तरह के और भी डांस स्टेप सीखते रहने के लिए इसका एक और पार्ट देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नए वीडियो में कुछ नए डांस स्टेप्स के साथ, तब तक के लिए आप अपना
ध्यान रखें।